कबीर रो दो पाटों के बीच में तो सबक बचाना को कबीर खड़ा बजार में और सबसे मांगे के ना है किसी से दोस्ती तो ना है किसी से कबीरार तेरी पड़ी और गल कटियन के पा करेगा सो ही भरेगा कबीरा तू क्या भयो ये उदा कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास करेगा सोही भरेगा अरे कबीरा तू क्यों होयो उदास है मन और जी को दंड करी नहीं जी के न भोगनो पड़ी आ तो माथा बाटे हार ही जब माथा बाटने वास्ते चार है आ तो वर्षी है आ जो आपनी मनमानी कर ली हार ही रूमों को आए जनों मनमानी कर ली तो कबीरदास जी महाराज भजन में दोबारा समझ रहे हो कहीं कहे आ काया है जी की बड़ी अनमोल है काया रे मायने एक एडो मोटो लंबो पेड़ खजूर है जिके खजूर ना तो कोई फल लागे ऊंचो ऊंचो बदे अरे काया नगर रे बीच में अरे लरिया ये लंबा पेड़ खजूर रे काया नगर रे अरे बीच में I'm not afraid.
चढ़तो मेवा चाख ले तो पड़ता चकमा चूर। फिर के बदन में खूब रमना रे लेरिया हरीशू राखो हे
बदन कठे भी हुए फिर मैंने एकदम ऐसो घुल जाऊं चाहिए कि जहां दूध रे मैंने पानी घुले नहीं दूध रे मैंने पानी गाता तो भी टाइम दूध अलग हो पानी अलग हो दोनों रंग अलग हो लेकिन दूध रे मैंने पानी गाते नहीं फिर बाद में वो पानी नहीं दूध बना ले फिर रंग एकदम बुगले जड़ो सफेद हो जाए जद कहे बदन में खूब रमना रे लेरिया हरीशु राखो हेत प्याला भर भर पीवना रे लेरिया लागी हरीशु डोर सत्संग रे मैं बैठ पड़ो भजना रे द्वारा जो भी संत विचार कर रिया है जो भी भाखना कर रिया है जो भी संत रचियता कर जुड़ा है बिया ने बैठ गो बैठो आप रे चुपचाप हुन बोक रे अरे हुन तो कोई न कोई बात लाख फकीर पड़ेला तो एक आदो तो कहीं समझ में आवे ही आवेला किसी की किसी बात तो पल्ले पड़े ही पड़ेला काया नगर के बीच में ले लिया लंबो पेड़ खजूर चढ़ तो मावा चाख लू तो पड़ता चकमा चूर शब्द बतारी बांकड़ी शब्दारी चोट खावे नहीं जिकन कई रास्ता दूसरा छोड़ना पड़े और शब्द रे वास्ते दूसरा रास्ता अपनावना पड़े शब्द कटारी बांकड़ी रे लहरिया गुरु गम कम तलवार भक्ति करनी हो नहीं तो खांडेरी धार है खांडेरी धार माथे पे और भक्ति री धार माथे पे एक ही बरोबर है इतो आदमी ने कलडो ओढ़ो पड़े शब्द कटारी बांकड़ी रे लहरिया गुरु गमरी तलवार अविनाशी जी फौज में लहरिया कदे नहीं जानो हार अविनाशी किसी एक जलम ने मरना लिख किया जी जनी इन मायने पाछो आउना लो काम को राख एड़ो राख है के पाछो कोई जिया जूने मायने जूनी ना मिले मोक्ष होना लो मार्ग मिले जद के शब्द भी न क्या करे शब्द रूपी कटारी देवे और कटारी हूं शब्द हूं आदमी ने ज्ञान हो जावे और की हूं मनुष्य जीवन रो उदाहरण हो जावे सजना काया नगर रे बीच में ले लिया लंबो पेड़ खजूर चढ़े तो मैवा चाच ले पड़तो चकमा चूर फिर के वे माखी बैठी शहद पे और पंख रही लपटाए उड़ने रा सांसा पड़िया लालच बुरी बला माखी वेली थी शहद के ऊपर बैठ जावे शहद माते उड़ पड़ी दूसरी जगह माते बैठ जानी पत जमी माते बैठे नहीं जो भारी हुए पत भी उड़ना ली क्योंकि फिर वो मंदर माने लालच हुए भी दे क्योंकि अठे ही चीज मिली यानी ये जगह या मिली तो सत्संगरी बात है कि सत्संग रे मायने ही बैठ मेरे बाद रे मायने ही भी आदमी ने चीज री प्राप्ति हो सके बाकी रात वाला बल तो दिन है काटा ही जा बाकी शब्द रोज को विचार है वो एक सत्संग रे मायने ही आदमी ने प्राप्त हो सके ग्रहण कर सके विचार कर सके और बिरो भाव बना अपना और भी शब्द में सुन सके माखी बैठी शहद पेर पंख रही लपटाए उड़ने रा सांसा पड़िया लालच बुरी बलाए काया नगर के बीच में ले लिया लंबो पेड़ खजूर चढ़ तो मेवा चाख लो तो पड़ तो चकमा चूर जंतर पड़िया जोधरा जंतर मंत्र किसा के तंदूर हो वह तंदूर रो हाज सही हो नि तार आलो जणी बो तंदूर है जिको बड़ो बाजिया करे तंदूर रो तार है जिको या तो ढीलो जवे या टूट जवे नि तंदी तंदूर रो तार को बाजन क्यों को बो सुर में को आवे जंतर पड़िया जोधरा ऐ टूट गई सब तार आज भी सत्संग रे मैं बैठो है और भी तार जी की बात लगन है बात टूट जो नहीं और बहुत मन है जो कठिन कठिन ले जा अपन और घुमाओ तो बैठा तो सत्संग में ही डांसो आटे ही पड़ी है आप आटे ही बैठा लेकिन आप और जो मन है नहीं जिको बहुत सुरता रे व्यक्ति हूं दूसरी जगह जातो रहे नहीं जन बो कनेक्शन है जिको टूट जावे जन लाइट बुझ जावे फिर मान हां जंतर पड़िया जोधरा रे लहरिया टूट गई सब तार तार बिचारा क्या करे बजावण गया हार तार काई करे तो तार तो हागी है बाकी वो बजावण वालो मन है नहीं बो और कि नहीं भूल गयो एक मन रे मन हजार आचे तो बड़ है तार तो काई तो भगवान नु लागू हो तो पण ई थोड़ी सी पलक जफे नी जती तार ले मायने वो तार है जिको जागा छोड़ दे और जागा छोड़ दे नी दिन बाद ससंगाल जागा तो छूट जावे और पत दूसरी बात पकड़ी दियो काया नगर के बीच में लरिया लंबो पेड़ खजूर चढ़ते मावो चाख लियो तो पड़ता चकमा चूर भजन रे अंतर मन कविदास जी महाराज बड़ी अच्छी बात कही है के दमन दुखे रे गोला तपे धुणे माथे तापे नहीं जिके ने ठा पड़े बाबा जी धुनो तापो बेटा जी जाने
दोनों माते को तपस्या करे, दोनों यानी आसन माते, आसन आज अपन सत्संग रामायण बैठा और सत्री जाजम है वो अपन आसन है। ये आसन है माते अधिक हो पनार बैठना एकदम दृढ़ता कर पण मन ने एकल भाव कर पण हर पछि सत्संग रामायण बैठा नहीं जन बिरल जरूर सरना कीन की पले पड़े। दमन दुखे घोड़ा तपे और जड़ जड़ पड़े जंजीर, रामानंद री फौज मेरे सन्मुख लड़े कबीर। काया नगर के बीच में ले लिया लंबो पेड़ खजूर, पंछी को चढ़ तो मेवा चाक लो तो पड़तो चकमा चूर। क्योंकि बड़ो आदमी ने नहीं बोलनो चाहिए, बड़ो बड़ाई ना करे बड़ा ना बोले बोल रही मन हीरा पार कूबे कदे न केवे अपनो मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को खाया नहीं तो फल लगे अति दूर। तो बड़ो नाम परमात्मा रो, राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए भगत वसल भगवान की, मात पिता गुरुदेव की। जय हो जय हो जय।